वेलकम शेफ़ शीरू चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बनाने जाएंगे हम राजमा, जिसे हम किडनी बीन्स भी कहते हैं। साथ ही कई जगह पे इसे लाल लोबिया भी कहा जाता है। जी हाँ, छोले, लोबिया और राजमा यानी कि लाल लोबिया, इसे कई लोग कई तरीके से बनाते हैं। हालांकि तरीके जो हैं बनाने के वो सेम भी हो सकते हैं तीनों के भी। रात पर भीगे हुए राजमे में हमें खड़े मसाले डाल के इसमें उबाल लगाना है, कुकर में सीटी देना है। ये खड़े मसाले लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब हमने कुकर में डाल के इसको सीटी लगाना है ताकि फ्लेवर खड़े मसालों का राजमा के अंदर अच्छी तरह से समा जाए। रात भर भीगे राजमा हमने लिया, इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे ताकि राजमा गलने में आसानी हो, आसानी से राजमा जो है वो गल सके। राजमा पकने चढ़ा दिया है कुकर, ये सारी तैयारियां जब तक हम कर लेते हैं। लाल टमाटर मसाले रेडी कर लेते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, मीट मसाला, अनारदाना का पाउडर बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ये सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कौन कौन से मसाले हमें करने हैं। ये देखिए राजमा हमारा पक चुका है, बेहतरीन चेक कर लेना इसे दबा के एक बार गला है या नहीं। आलू किसी भी चीज़ का टेस्ट डेवलप करता है, इसलिए यहाँ तक कि मटन या चिकन तक में आलू डाला जाता है। पंजाबी डिश है तो सरसों के तेल में तेज़ आँच में बनाएंगे इसे कुकर में। अच्छे से तेल गर्म होने पर इसमें प्याज ऐड करना है और इसे हमने भूनना है अच्छी तरह। 2-3 मिनट के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके सॉटे करना है और गोल्डन होने के बाद ही इसे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लाल होने तक टमाटर ऐड कर दीजिए, वाइट पेपर, हरी मिर्च और सॉटे करना है। पीस के भी मसाला बनाते हैं लोग, जो मैंने छोले में बनाया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ और यकीन मानिए टेस्ट बहुत उम्दा आया था। इसी में हमने सारे मसाले ऐड कर देने हैं और अदरक अब डालना है। पूरा राजमा बनाने में जिस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे वो वही पानी होगा जो राजमा को उबालने के बाद बचा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर उभर करके आएगा। खड़े मसाले कुकर से निकाल दीजिएगा साइड में, क्योंकि वो बच्चों को भी पसंद नहीं आते, यहाँ तक कि वो टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं। अब इसमें आलू डाल देना है और तेल जब छूट जाए तो राजमा इसमें ऐड कर दीजिए ग्रेवी में। और इस फ्लेम में हमने राजमा को पूरी तरह से पकाना है। ये देखिए इस वक्त डालना है लहसुन। लहसुन इस वक्त बहुत तगड़ा फ्लेवर देगा। खटाई के विनेगर, केचप और ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। ये एक इनोवेशन है जो बहुत ही कारगर साबित हुई, आप भी ट्राई करिएगा। कसूरी मेथी, अब तेल छूट चुका है पूरी तरह से, बेहतरीन देख सकते हैं आप। कलर, महक शानदार और लाजवाब आ रही है। वीडियो में तो आपको आ नहीं सकती है, बट जब आप बनाएंगे तो ज़रूर आपको ये बात याद आएगी। अब इसका तड़का हमें रेडी करना है। खड़ी लाल मिर्च, जीरा, हींग, इसका ही तड़का डलेगा। बहुत ही ख़तरनाक तड़का था ये, आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी घर पे। बट इसे बहुत संभाल के करिएगा, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप छोटी कलछी में भी इसे बना सकते हैं। बट फ्लेवर बहुत ही शानदार आया था। कलर देख के आप पता कर सकते हैं कि ये राजमा कैसा बना होगा। ग्रेवी शानदार, चटपटी, बेहतरीन पंजाबी राजमा। पंजाब के अलावा नेपाल, हिमाचल, जम्मू, इन सब जगहों पे भी राजमा बहुत पसंद की जाने वाली डिश है, जिसे अक्सर चावल के साथ खाया जाता है और ये लोगों की पहली पसंद होती है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें। धन्यवाद।